नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। दतिया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 3 दिवसीय दौरे पर दतिया हैं। उन्होंने आज सुबह किला चौक मैदान पर सायरन बजाकर सुपर क्लीन संडे दतिया की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया, दतिया को नंबर बदला कोई बड़ी बात नहीं है, दतिया की जनता जनार्दन का सहयोग आवश्यक है। हम सब मिलकर दतिया को नंबर 1 बनाएंगे और प्रदेश का नाम सबसे ऊपर करेंगे। जो परंपरा है ये जब तक दतिया साफ नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। ये केवल संडे की बात नहीं है, संडे तो केवल सांकेतिक है। कोशिश ये हो रही है कि दतिया में स्वच्छता स्विच ऑन कर करके सायरन 1 मिनट तक बजेगा ये सायरन। अब दतिया को आगे देखना होगा, दतिया की जनता किस प्रकार से इस क्लीन संडे को आगे तक ले जाती है। दतिया संवाददाता फतेह गोस्वामी के साथ। और जो हमारी कोशिश और शिद्दत से लगे तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी कमी ना रह जाए ये देख रहे हैं। आज हम लोगों ने सुपर क्लीन संडे का एक नया प्रयोग किया, जिसमें दतिया शहर में 100 ऐसे कमजोर सफाई वाले जगहों को आइडेंटिफाई करके और 100 टीमें लगाई गई हैं। और ये सभी जनता जनार्दन की टीमें, विभिन्न संस्थाओं की टीमें, जनभागीदारी को जोड़ने का ये प्रयोग है, ताकि दतिया के अधिक से अधिक लोग सफाई के मुद्दे से जुड़ जाए और उनके मन में इस प्रकार से परिवर्तित हो जाए कि उनको कचरा जो है वो कहीं पर नहीं हो, उनकी बर्दाश्त करने की जनता उनको मदद करें। तो कोशिश करेंगे कि दतिया को हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नंबर 1 बनाएं। सर, ये दतिया में सर काफ़ी आपने काफ़ी प्रूफ किया, सर कहाँ तक साफ निकला ये आपका जो आपने दतिया में काफ़ी प्रूफ किया है जाता है। निश्चित तौर से जो प्रयास होते हैं उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो जितने भी प्रयोग किए, चाहे कोविड में प्रयोग किया है, उससे जनता का काफ़ी सहयोग मिला और कोविड से निपटने कर पाए। टीकाकरण के क्षेत्र में भी काफ़ी नए नए प्रयोग किए और सफलता स्थान के उपार्जन के क्षेत्र में हमने प्रयोग किया, उसकी चर्चा करें। स्वच्छता में भी हम नए के साथ कर रहे हैं। बजट के लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने दतिया को नंबर 1 ला के दिया है। इतना संजय कुमार जी, धन्यवाद।